नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल रत्नेश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनर के 9N स्मार्टफोन के बारे में। हुआई के सब ब्रांड ऑनर ने इंडिया में अपना नया स्मार्टफोन आज लॉन्च किया है और यह स्मार्टफोन ऑनर 9i का सक्सेसर है जो कि पिछले साल आया था और यह चाइना में लॉन्च ऑनर 9i 2018 का इंडियन वर्सन है। इस वीडियो में हम आपको इस ऑनर के 9N के बारे में सारी जानकारी देंगे, इसके प्राइजिंग, स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और बाकी सभी डिटेल्स के बारे में आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। दोस्तों, ये जो ऑनर का 9N है इसमें कुछ हाईलाइट्स हैं। जैसे यह स्मार्टफोन 12-लेयर ग्लाफ डिज़ाइन के साथ आता है, इसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और उसके अलावा इसमें डिस्प्ले में नॉच भी दिया गया है। ये तो इसके कुछ हाईलाइट्स हैं, इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस भी हम आगे देख लेंगे। उसके पहले इसकी प्राइजिंग के बारे में देख लेते हैं। यह स्मार्टफोन 3 अलग अलग वेरिएंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। एक है 3GB RAM 32GB इंटरनल, जिसका प्राइस रखा गया है 11,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है 4GB RAM 64GB इंटरनल, जिसका प्राइस रखा गया है 13,999 रुपये। और एक और वेरिएंट मिल जाता है 4GB RAM 128GB इंटरनल का, जिसका प्राइस 17,999 रुपये रखा गया है। यह स्मार्टफोन एक फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव स्मार्टफोन है और 31 जुलाई के 12 बजे दिन से आप इसे फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं और उसके अलावा ऑनर के स्टोर पे भी ये ऑनर 9N देखने को आपको मिल सकता है। अगर इसके प्राइजिंग एबिलिटी के बाद इसके कलर ऑप्शंस के बारे में देखें तो यह स्मार्टफोन 4 अलग अलग यूनिक कलर्स में लॉन्च किया गया है। एक है लेवेंडर पर्पल, रॉबिन एक ब्लू, मिडनाइट ब्लैक और सफायर ब्लू। जो ऑनर का 9 Lite था उसमें भी मिडनाइट ब्लैक और सफायर ब्लू कलर दिया गया था और वह स्मार्टफोन देखने में काफ़ी अच्छा था और उसमें भी ग्लास बैक डिज़ाइन दिया गया था। तो ये जो ऑनर का 9N है दिखने में ऑनर के 9 Lite जैसा ही है और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर इसके प्राइजिंग एबिलिटी के बाद इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस देखें तो यह स्मार्टफोन एक डुअल सिम स्मार्टफोन है, इसमें आपको 2 नैनो सिम कार्ड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये हुआई के इमोशन UI 8.0 पे बेस्ड है और एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स आता है। अगर इसका डिस्प्ले देखें तो इसमें एक 5.84 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2280 पिक्सल का है। एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है इसमें, जो कि 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है और इसमें एक डिस्प्ले नॉच भी देखने को मिल जाती है और 2.5D ग्लास इसके डिस्प्ले में दिया गया है। अगर इसके डिस्प्ले के बाद इसके प्रोसेसर की तरफ देखें, यह स्मार्टफोन हुआई के हाई सिलिकॉन किरिन 659 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि एक काफ़ी पुराना प्रोसेसर है और पिछले 2-3 साल से ऑनर अपने जितने भी स्मार्टफोन लाता है उनमें सभी में यह 659 प्रोसेसर ही देता है। जैसे Xiaomi को स्नैपड्रैगन के 625 से लगाव है और अपने सारे मिड रेंज स्मार्टफोन्स में वो लगभग 625 प्रोसेसर ही देता है। यह स्मार्टफोन अपने प्रोसेसर के मामले में थोड़ा वीक है, इसमें लेटेस्ट अगर सिलिकॉन का 710 प्रोसेसर होता तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि आने वाले दिन में 2-3 दिन में हुआई एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, Nova 3i, उसमें हाई सिलिकॉन क्रीन 710 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो कि एक काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। उसके अलावा यह स्मार्टफोन 3GB और 4GB RAM 2 अलग अलग रैम वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगर इसके कैमरा की तरफ देखें तो इसमें 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा दिया गया है, जो कि बहुत सारे मोड्स के साथ आता है। पोर्ट्रेट मोड और ब्यूटी मोड दिया गया है फ्रंट कैमरा में। उसके अलावा जो रियर कैमरा इस स्मार्टफोन में है वो 13+2 मेगापिक्सल का एक रियर कैमरा दिया गया है और जो रियर कैमरा है उसमें PDAF, HDR और पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है और जो अपर्चर है वो f2.2 का है और जो फ्रंट और रियर कैमरा है दोनों से हम लोग फुल HD वीडियोज रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में जो बैटरी दी गई है वो 3000mAh की है और इसमें फास्ट चार्जिंग का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है और microUSB पोर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा इसमें रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि मल्टी फंक्शनल है और इसमें डायरेक्ट फेस अनलॉक और काफ़ी फास्ट फेस अनलॉक भी दिया गया है। बाकी सारे कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए गए हैं और बाकी सारे तरह के सेंसर भी दिए गए हैं। दोस्तों, ये तो हुआ इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इस स्मार्टफोन के बारे में अगर मेरा ओपिनियन देखें तो यह स्मार्टफोन एक ऐसे प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है जिसमें पहले से काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं। 9,000 से 15,000 रुपये के सेगमेंट में ओप्पो के Realme 1 से शुरुआत होती है, जो कि Xiaomi के Redmi Note 5, Redmi Y2 और Honor के 7C, 7A और उसके अलावा Honor के 9 Lite, Honor के 7X और Asus के Zenfone Max Pro से होते हुए Redmi के Note 5 Pro तक जाती है। बीच में Motorola के भी 2-3 स्मार्टफोन हैं, जैसे Moto G6 है, G6 Play है, E5 है और E5 Play है। ये जो प्राइस सेगमेंट है ये काफ़ी कम्पिटेटिव है और इसी प्राइस में यह स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है और जो प्राइजिंग रखी गई है वो बेस वेरियंट की रखी गई है 11,999 रुपये और जो 4GB RAM 128GB वाला इसका वेरियंट है वो तो 18,000 रुपये में लॉन्च हुआ है और उसका कोई मतलब नहीं बनता कि
सिर्फ आप ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज के लिए 18,000 रुपये लगाएं, लेकिन इसका जो 12,000 रुपये वाला वेरियंट है वो अगर आप अच्छा हो सकता है आपके लिए, अगर आप एक अच्छा डिजाइन वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। इस स्मार्टफोन की डिजाइन काफ़ी अच्छी है, इसमें ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाती है और इसमें 4 अलग अलग यूनिक कलर्स भी देखने को मिलते हैं। तो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है दिखने में, अगर आप एक सुंदर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जिसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है तो इस Honor 9N को ले सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में इस Honor 9N के बारे में सारी जानकारी दी। अगर आपको और भी ऐसी वीडियोज़ देखनी हो स्मार्टफोन के बारे में और उसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो आप मेरे इस चैनल टेक्निकल रत्नेश को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।